हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, आज भी पूरी तरीके से आंखों में आराम नहीं मिला है। अभी भी देखो सूजन है, इस वाली में थोड़ा कम है, इस वाली में अभी भी सूजन है और ना धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। ऐसा लगा करता है काफ़ी अच्छे से रगड़ दो, किसी कपड़े से पोंछ दो ताकि साफ दिखने लगे। धुआं धुआं सा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। और 8 दिन में जाने कितने तो ड्रॉप चेंज हो गए। और नीम पानी से भी धोया, काफ़ी यत्न किए, फिर भी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और जा रही हूँ झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँ, आज काम लेट ही होता जा रहा है क्योंकि श्याम अभी जाके सोया है। आज रात में वो बहुत ज़्यादा परेशान किया है, पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम थी, रो भी रहा था बहुत। अब 5 बजे सोया है। और किचन में पोछा तो लग चुका है, बस कमरा और गैलरी रह गई थी तो कमरा में भी लग गया है और गैलरी में लगा रही हूँ। फिर पानी चेंज करके लगाऊंगी बाहर वाले कमरे में। और ये देखिएगा, 2 दिन की बारिश में इस दीवार का कितना बुरा हाल हुआ है। बहुत ज़्यादा इस दीवार में सीलन है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है बस थोड़ा देर में ना पानी निकलने लगेगा इस दीवार से। ये देखो पूरी दीवार में सीलन है। पिछले साल तो थोड़ा बहुत ही सीलन हुई थी, लेकिन इस साल तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है। पूरा पेंट खराब हो गया। ये देखो बेड को ना थोड़ा इस साइड खिसकाएंगे क्योंकि ना सीलन बेड के पीछे भी पूरी जगह है तो दिक्कत होगी बेड में, इस वजह से यहाँ खिसका देंगे इस साइड थोड़ा। और नहा कर आ चुकी हूँ, पूजा भी हो चुकी है। बस ये कह रहे थे कि मैगी बना लो नाश्ते में, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैगी। और मैं 3 पैकेट बनाए हैं मैगी, तब जाके वो इतनी दिख रही है, 10-10 वाले 3 पैकेट हैं। तो मैं थाली में खट्टा ठंडी होने के लिए रख दी, इसी में मैं ले लूँगी, ये नहीं कि ये पूरी मैं ही खाऊँगी। और अब मैं हो चुकी हूँ आंगनवाड़ी के लिए तैयार। टाइम भी हो गया है, 8 बज गए हैं और 8 बजे से थोड़ा टाइम ओवर ही हो गया है, तो बस अब मैं निकलती हूँ। और ये देखिएगा श्याम अपने पापा के साथ में खेल रहा है। और अभी अभी ये थोड़ी देर पहले सो के उठा है ना, तो घूमतू मैं, बेटू जा रहे हैं बाय, आंगनबाड़ी जा रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर ये भी साथ में चला करेगा, वहाँ बच्चों के साथ में खेला करेगा। अभी ये है ना कि अभी उतना नहीं है कि वो इतना खेल पाए, तो जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर साथ में चलना श्याम है। बाय, देखो यहाँ, देखिएगा देखिएगा, जा रहे हैं हम, फिर दूर हो गए मुझे। चुकी हूँ पर अभी मैं आंगनवाड़ी में अकेले ही हूँ, ना तो अभी बच्चे आए हैं और ना ही जो मेरे साथ में और भी वर्कर हैं जैसे कि सहायिका, सरता चाची और सहयोगिनी, ये आ रहे होंगे। अभी मैं अकेले ही हूँ, धीरे धीरे करके सब लोग आ जाएंगे। और कल जब मैं आई थी ना सेंटर, तो बारिश की वजह से सारे रजिस्टर भीग गए थे, तो मैं कल इनको टेबल में सुखाने के लिए रख गई थी। ये देखो, इस वजह से ना मैं जो डेली यूज वाले रजिस्टर हैं उनको अपने साथ में घर लेकर जाती हूँ, और जब आती हूँ सेंटर तो साथ में लेकर आती हूँ, ये करना होता है। और जो वार्षिक मासिक यूज करते हैं रजिस्टर, वो यहीं रखे थे, तो वो ना रात में बारिश हुई तो भींग गए थे। परसों रात में बारिश हुई थी तो बहुत बुरी तरीके से भींग गए, तो सारे मैंने सुखाने के लिए डाले हैं। कुछ तो थोड़ी थोड़ी सूख गए हैं और कुछ की हालत अभी भी ख़राब है। मतलब वैसे तो मेरा सेंटर सही है, पर बारिश के मौसम के लिए तो बहुत ही बुरी कंडीशन रहती है इसकी। ये देखो यहाँ से बारिश का पूरा पानी आता है। और यहाँ पर टेबल में रखे थे रजिस्टर, जिस जगह रजिस्टर रखे थे उसी जगह बारिश का पानी आया है, तो पूरे भीग गए। और ये देखिएगा यहाँ पर बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, ये नहीं कि ये आते ही डायरेक्ट खेलने लगे हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, उसके बाद में मैंने सारी बुक्स जमा करके एक जगह रख दी है, नहीं तो ये फाड़ भी डालते हैं बुक्स को, और फिर उसके बाद में ये खेल रहे हैं। और
कुछ खेल रहे हैं, कुछ चेयर यहाँ से वहाँ खिसकाते घूम रहे हैं। और अब आ गई है खाने की बारी। तो जो सरता दीदी हैं, सहायिका, हम लोग तीन हैं ना, कार्यकर्ता, सहायिका और सहयोगिनी। तो ये सरता दीदी हैं। तो ये खिचड़ी, आज खिचड़ी वाला दिन था, एक दिन दलिया खिचड़ी ऐसे बनता है। तो खिचड़ी सबको परोस रही हैं। श्याम, मम्मा आ गई। ये देखिए श्याम बैठा है, मम्मा भी आ गई। तो श्याम देखिए कितनी जल्दी भागा है, कितनी जल्दी भागा है। भाग गया। देखिए गिर पड़ा। अरे उल्टे सीधे क्यों गिर रहा है? हमारे हाथ धो के कर लेंगे। आ रहे। वाह 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 वाह। देखिए श्याम भाग कर मम्मा यहाँ पहुँच गए, बेड में से हमारे पास थे। ये देखिए और सेंटर से आते ही गोद में आ गया है और गोद से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलना कल चलोगे साथ में? मैं इसलिए नहीं ले जाती, वहाँ पे बाई चांस रोने लगे, परेशान करने लगे, और भी बच्चे रहते हैं इस वजह से, तो और बच्चों के साथ में। हमें कपड़े वगैरह तो चेंज करने दो बेटा। चाय पी रहे हैं तो चाय नहीं पीने दे रहा है। दूध नहीं है, चाय है। चाय दूध बनाए तुम्हारे लिए। जाएगा बोल से, दूध बैठा दो। कहाँ दूध बैठा दी यार? कहाँ जा रहे हैं? नीचे लाम तुम्हारे लिए दूध ला रहे हैं। बेटू दूध ला रहे हो? दूध नहीं है, चाय है। चाय है वो। पी लो, पैर ना मार देना। क्या अभी हम लेके आ रहे चाय पीने पर कपे? हम तुम्हें दूध देंगे हैं। अभी किया है इसने। अब मैं और श्याम जा रहे हैं छत में घूमने। और अब मैं बना रही हूँ रात के लिए खाना। और मैं तो और जल्दी ही बना लेती खाना जब संध्या आरती की, उसके बाद में फिर श्याम काफ़ी देर रोता रहा तो उसे चुप कराती रही, अब तो सो गया है। तो अब मैं उतनी देर में खाना पीना रेडी करे ले रही हूँ। और मैं बना रही हूँ बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी। बंद गोभी आलू तो पक गए थे, उसके बाद में बस मसाले ऐड कर दिए हैं, वो भी भुन गए हैं। तो बस सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई, उसके बाद में मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। और खाना पीना तो सबका हो गया है, उसके बाद में आ जाती है गैस और किचन टॉप ये सब साफ़ करने की बारी। तो यहाँ पर मैं वही सब साफ़ कर रही हूँ। और किसी किसी दिन बाई चांस रह जाता है, जैसे कि श्याम बहुत परेशान करता है तो नहीं कर पाती हूँ। तो सुबह जब करना होता है ना तो बड़ी उलझन होती है देख कर किचन गैस सब गंदी, और रात को साफ़ हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और बर्तन भी धुल गए हैं मेरे, यहाँ पर बर्तन साफ़ हो चुके हैं और गैस वगैरह सब साफ हो गई है, सारे काम हो गए हैं। तो एक खुशी सी मिलती है ना कि सुबह के लिए ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। और अब बज रहे हैं रात के 10:30। काम तो सब हो चुके हैं, किचन के बर्तन वगैरह सब हो गया, बस अब शाम को सुलाना है क्योंकि अभी वो सोया नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक यूं ही पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।